गाइस आज मैं जा रहा हूँ फैंसी बाजार और अभी रुका हूँ पान बाजार पे। तो आपको आज फैंसी का व्यू दिखाऊंगा जो कि है गुवाहाटी पे। तो बने रहे, आपको दिखाता हूँ फैंसी का व्यू। थोड़ा वॉक करना पड़ेगा यहाँ से क्योंकि हम लोगों ने ले लिया था गलत बस, और यहाँ से हम वॉक करते हुए जा रहे हैं फैंसी की ओर। तो आपको सीधे मिलते हैं गाइस फैंसी पे, सो बने रहे। तो गाइस मैं अभी फैंसी पहुंच चुका हूं और आपको यहां से फैंसी का व्यू वगैरह दिखाऊंगा और यहां का रेट, कपड़ों का रेट कितना वो भी बताने वाला हूं। तो आप पहले जब फैंसी आओगे तो आपको यहां से एंट्रेंस करना पड़ेगा, बस वगैरह सारा यहां पे रुकता है, और यहां से आने के बाद आपको यहां से मार्केट शुरू हो जाता है। कपड़ा बहुत ही सस्ता भी मिलता है। तो आइए आपको दिखाता हूँ फैंसी का व्यू। बढ़िया बढ़िया टी शर्ट पैंट वगैरह भी है, बढ़िया बढ़िया। भैया जींस को कैसे कर गए? हाँ भैया 750 कम करके 600। कितना नंबर का भैया ये? मिल जाएगा 28-32 मिल जाएगा ना। तो भैया ये 500 में दे दो, हो जाएगा ना? 600 कर दीजिए, 500 कर दीजिए, 550 कर दीजिए। लास्ट भाई 500 दे सकेगा हमने आपको भी बोनी हो रहा होगा ना, ये गुड लक करेगा हम आपको। चलो भैया दुआ करते हैं भगवान से आपका अच्छा आवास तो 500 रुपये में पेन काफ़ी सस्ता। अरुणाचल पे जाओगे हमारे वहाँ पे तो आपको नहीं होने से भी 1000 रुपया के आसपास ले लेगा। तो 500 रुपये में जींस मिला तो बहुत ही अच्छा। चलो भैया थैंक यू। हाँ जरूर, एक पेन ले लिया पेन के साथ शुरुआत, और आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है। और ये है मार्केट फैंसी का, लड़कियों का कपड़ा भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा लड़कियों का। ये लोग काफ़ी सस्ते मिलते हैं पूछते हैं यहाँ पे। काफ़ी अच्छा अच्छा ट्रैक कैसे करके भाई ये सब ट्रैक लोग का 250। बढ़िया बढ़िया है काफ़ी। चलो भाई हम खुद देखेगा। चलो काफ़ी बढ़िया बढ़िया है। दो टीन टू ले जाएगा भाई, रेट कितना लगेगा? ये अच्छा है। चलो 250 करके ना भैया। बस 250 से कम में नहीं दिया तो मैंने उसे छोड़ दिया कपड़े को, क्योंकि मार्केट बहुत ही लंबा है तो आगे देख लेगा। कितना भैया? 300 एकदम कम करके, कम करके डिस्काउंट देके, कम और डिस्काउंट करके 250 करके दे दो भैया, दो ले जाएगा। कम नहीं है, होलसेल दाम है। होलसेल दाम है, हर का माल 500 है, इसका दाम 300। भाई आपका चैनल का नाम क्या है? मेरा लिल्स गुरुंग। तो 250 में नहीं होगा भैया, दो तीन ले जाने से भी। जीसू एंड जोन्स, जीसू जोन्स इनका काफ़ी बढ़िया है। गाइस पेन तो मिल रहा था काफ़ी सस्ते दाम में, बट क्वालिटी थोड़ा ख़राब था तो मैंने छोड़ दिया। अब आगे की ओर जा रहे हैं। क्या है भाई 100 में? ये लड़की का सामान सारा 100 में, सारा लेडीज का। अच्छा अच्छा, सुंदर सुंदर है, बढ़िया बढ़िया है, 100 में है, 200 का माल 100 लाख का है। अच्छा अच्छा, लेडीज कुर्ता मिलेगा यहाँ पे फैंसी बाजार में। वही एक दे दो, मेरी माँ के लिए बस में डाल दिया है, हाथ में चला जाएगा अभी। चलो थैंक यू भैया, नोट दिया है भैया, 400 रुपया घुमा के देगा भैया। चलो भैया बहुत बढ़िया, एकदम कम दाम में दे रहा भैया ने। थैंक यू भैया,
भाई ये तो नहीं लेगा। हाँ जरूर भैया। और ये बच्चे का चप्पल वगैरह, और यहाँ पे शू वगैरह भी है। कितना का भैया शू लोग? 500 500 का शू। और यहाँ देखते हैं बढ़िया बढ़िया टी शर्ट। इसको थोड़ा ऐसे पकड़ देगा? हाँ पकड़ दे। चलो हम देखेंगे। हाँ लो 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 ना भाई, तुम्हारा भाई हम भी तुम्हारा भाई। ये लूंगा एक। हमारा बिक्री खराब है इसलिए हम बंद कर रहा है। हम बिक्री बहुनी किया था, बट्टा नहीं हुआ इसलिए हम मैंने गुस्सा में बंद कर रहा है। तुम्हारा दुकान है, तुम्हारा दुकान तुम ले लो। हम दुकान बहुनी किया था, बट्टा नहीं हुआ इसलिए हम गुस्सा से बंद कर दिया। बहुनी भी होगा बट्टा भी होगा भैया। जो सच है सच। तो भैया का ऐसी टी शर्ट काफी कम कम दाम में लिया मैंने, और मुझे भी ये सब जाके होम टाउन में बेचना है। तो अभी थोड़ा आगे का भी दिखाऊंगा, थोड़ा बैटरी बचाना है। ले रहा हूँ भैया से 14 पीस। तो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं फिर। मार्केट काफी खाली खाली आफ्टर लॉकडाउन, और 4 बजे का टाइम लिमिटेशन था यहाँ बंद करने। सो गाइस आप ये जो देख रहे हैं, पहले बहुत भीड़ हुआ करता था यहाँ पे, बट ड्यू टू दिस कोविड सब कम हो रखा है। सो आप देख सकते हैं अभी आदमी वगैरह भी इतना नहीं है, नहीं तो पहले बहुत ही भीड़ हुआ करता था यहाँ पे गाइस। सारा खाली चप्पल वगैरह गुवाहाटी के अंदर। आपको यहाँ आओगे तो आपको बहुत ही कम कम पैसे में यहाँ सब कुछ बहुत सस्ते दाम में मिल जाएगा आपको यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पर भी सारा सौ सौ का होगा शायद। यहाँ देखिए 60 रुपीज़ में कुछ दे रहे हैं लेडीज का आइटम। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। और ठीक आपके बीचों बीच में है गुरुद्वारा। गुरुद्वारा है पंसी के बीचों बीच, और यहाँ से आप राइट साइड भी जा सकते हो। अभी मार्केट, लेफ्ट भी मार्केट, और सीधे भी आपको मार्केट मिल जाएगा। तो थैंक गॉड अभी इतना कि उस भीड़ भाड़ तो नहीं है, खाली है सारा। और अब जाएंगे थोड़ी आगे, फिर आपको वहाँ पर व्यू वगैरह दिखाऊंगा। बने रहेगा, गर्मी बहुत है। इसे है गुरुद्वारा, वो यहाँ पे 4 आली, एक यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ से रास्ता। और आप यहाँ पे घुसोगे तो आपको बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा मिलेगा अगर आप लेडीज है तो। यहाँ पे लेडीज का बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा मिल जाता है। भीड़ बहुत, लेडीज का कपड़ा बहुत ही अच्छा अच्छा मिल जाएगा आपको यहाँ पे, और बहुत ही सस्ते दाम में। कुछ लेना बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे लेडीज का सामान है सारा। ये देखिए गाइस लड़कियों का हेयरपिन जो काफी डिजाइन डिजाइन पे है यहाँ पे। और ये है लड़की का वाला, यहाँ पे सिर्फ लड़की लोग का ही सामान वगैरह मिलता है। और आपको लोकेशन जानने में दिक्कत हो रहा है तो गैस इसके सामने मस्जिद है। तो गैस आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे गुरुद्वारा है। इससे थोड़ी आगे आओगे तो आपको यहाँ मस्जिद मिलेगा, और आप ये गली के अंदर जाओगे तो आपको बैग काफ़ी सस्ते सस्ते मिलेगा यहाँ। तो ये जगह तो सिर्फ लड़कियों का है, और आपको होलसेल में बैग चाहिए तो यहाँ पर जाना पड़ेगा इस गली पर। तो मुझे लड़कियों का सामान तो नहीं लेना, मैं अपने लिए कुछ लूँगा पहले। फिलहाल तो मुझे पहले ATM जाना पड़ेगा, तो ATM जाके आपको नहीं हो पाया क्योंकि 4 बजे से लॉकडाउन है इसके कारण। अब इसलिए फटाफट जो मिले वही खरीद लूंगा। देखिए नज़ारा आप, पानीपुरी नो पानीपुरी। बच्चे का कपड़े भी यहाँ पे काफ़ी कम है भीड़ गाइस ये कोरोना के कारण, नहीं तो यहाँ बहुत भीड़ हुआ करते थे पहले। यही है गुवाहाटी का फैंसी मार्केट जो कि मशहूर है यहाँ पे।
और आपको बैग लेना होलसेल में तो आपको यहाँ घुसना पड़ेगा। बहुत सस्ता सस्ता में बैग वगैरह मिल जाता है यहाँ पे। मेरा भारत मान ये गाइस, मैं भी आपको बैग मार्केट लेके जा रहा हूँ क्योंकि लड़कियों का सामान बहुत भरपूर मिलता है यहाँ पे। मैं सामान तो कुछ नहीं जा सकता ना, वीडियो अलाउ। अरे जहाँ दिखाएगा सोचा था वहाँ दिखा नहीं मिला क्योंकि वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था। सो ये पूरा बैग मार्केट वगैरह है यहाँ पे फैंसी के अंदर, और यहाँ पे सब किस्म का आपको बैग वगैरह मिल जाएगा। जो जगह मैं आपको लेके जाने वाला था वहाँ बहुत अच्छा अच्छा मिलता है, बैग से लेकर शू वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको वहाँ पे। कैसे करके भाई ये बैग का इसका जो 480 के अंदर आपको मिल जाएगा बैग वगैरह, सबका प्राइस अलग अलग है। और जो जगह मैं जाने वाला था वहाँ सस्ता था बट वहाँ अलाउ नहीं था। तो गाइस मैं अभी हूँ फैंसी के लास्ट स्टॉप पे जो कि है लव टोकिया। सीधे पीछे की ओर बढ़ूंगा और आपको यहाँ का व्यू दिखा के घर चला जाऊँगा क्योंकि गुवाहाटी 4 बजे से बंद हो जाती है। गाइस काफ़ी सस्ता सस्ता में शॉपिंग किया आज मैंने। तो गाइस फैंसी का तो यही था, आपको सब कुछ दिखाई दिया मैंने फैंसी का, और दिखाने के लिए कुछ बचा तो नहीं, बट ब्लॉग को एंड करते करते मैं आपको वो स्मॉलेस्ट आइलैंड दिखा दूंगा जो कि मेरे राइट साइड पे है। सो आपको दिखाता हूँ, मैंने एक अच्छा जगह ढूंढ के मैं आपको सामने से दिखाऊँगा। तो गाइस इस बार है फैंसी, और फैंसी के ऑपोजिट आओगे तो ये है वो स्मॉलेस्ट आइलैंड, दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड माना जाता है इसे। और इसके कहीं बीचों बीच पे ही आप टेंपल है जिसका नाम है उमानंदा टेंपल जो कि बहुत ही फेमस है। यही है वो स्मॉलेस्ट आइलैंड गाइस, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। इतने गर्मियों में बहुत ही मस्त हवा चल रहा है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया व्यू। और अब यहाँ से मैं गाड़ी पकड़ूँगा और सीधे घर की ओर जाऊँगा। गाड़ी भी आ चुका है, चलते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं अपना ब्लॉग खत्म कर रहा हूँ गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले ब्लॉग में मिलते हैं जो कि होगा पल्टन बाजार का। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सो टेक केयर एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट ब्लॉग।